सवे भवन्तु सुखिनः। अस्तेय ईमानदारी नेक नियति निश्चलता निष्कपटता। भाग एक। लेख का उद्देश्य है कि आस्तिक नास्तिक सभी ज्ञान के अनुरूप अस्तेय का पालन करें। अस्तेय यानी कि बेईमानी से विरत रहना, चोरी से विरत रहना, लूट खसोट से विरत रहना, छल कपट से विरत रहना, ठगी धोखाधड़ी से विरत रहना, षड्यंत्रों से विरत रहता, साफ दिल नेक नियत होना, शुद्ध मन शुद्धचित होना। स्तेय से तात्पर्य है चोरी लूटपाट डकैती ठगी छल कपट आदि, यानी कि जो चोर है, लुटेरा है, डाकू है, छली है, कपटी है, बेईमान है, ठग है, धोखेबाज है, षड्यंत्रकारी है, जालसाज है, बदनियत है, ऐसे सभी मनुष्यों के मन स्तेय यानी कि लोभ लालच से भरे होते हैं। स्तेय विकारी अवस्था है, अंधकार में पक्ष है, अधोपतन का कारण है, बंधन का कारण है। अस्तेय विकारों से मुक्ति की ओर अग्रसर होने में सहायक है, उज्ज्वल पक्ष है, उधर्वगमन का साधन है, आध्यात्म की आधारशिला सत्कर्म है। शुद्ध प्रज्ञा यानी कि शुद्ध ज्ञान के अनुसार कर्म करने से, शुद्ध ज्ञान का चिंतन मनन करने से ज्ञान पुष्ट होता है और ज्ञान के अनुसार सतत ध्यान का अभ्यास करने से अंततः ध्यान के माध्यम से प्रज्ञा विवेक जागृत हो जाता है। और जब प्रज्ञा जागृत हो जाती है तो मनुष्य स्वतः ही प्रेय मार्ग से विरत होकर श्रेय मार्ग पर अग्रसर होता है और नश्वर अनित्य से राग द्वेष नहीं रहता। नश्वर पदार्थ शक्लों से राग के कारण ही मनुष्य लोभ लालच से वशीभूत होकर बेईमानी चोरी लूट खसोट आदि करता है। लोभ रूपी विकार जो कि अंधकार में पक्ष है, इस लोभ रूपी विकार का ही परिणाम स्तेय है। जब मन निर्लोभी हो जाता है तो मन से लोभ रूपी विकार निर्वासित हो जाता है और तब मन स्वतः ही अस्तेय में समाहित हो जाता है और आध्यात्मिक लक्ष्य से निकटता बढ़ जाती है। लोभ के वशीभूत होकर ही मनुष्य चोरी करता है, लूट खसोट करता है, राहगीरों को लूटता है, लोगों के साथ धोखाधड़ी ठगी करता है, किसी अन्य के पदार्थ सामग्री की ओर मन का खिंचाव लगाव आकर्षण आध्यात्मिक दृष्टि से बंधन का कारण है। क्योंकि जिसके भी मन में ऐसे विचार उठते हैं अथवा स्तेय युक्त आचरण करता है तो ऐसे मनुष्य का मन सांसारिक पदार्थों सामग्री वस्तुओं की कामना वासना इच्छा से ग्रसित होता है और सांसारिक पदार्थों की तृष्णा के कारण ऐसे मनुष्यों का मन व्याकुल प्यासा अशांत अतृप्त रहता है। सांसारिक पदार्थों की विधि विरुद्ध धर्म विरुद्ध नीति विरुद्ध कामना तृष्णा बंधन का कारण बन जाती है। सर्वप्रथम मन में लोभ रूपी विकार जागता है और मनुष्य पराये पदार्थ सामग्री वस्तु को साम दाम दंड भेद अथवा यन केन प्रकारण हथिने हड़पने के प्रयास में लग जाता है। किसी अन्य के पदार्थ वस्तु सामग्री को अधर्मपूर्वक ग्रहण करने की इच्छा कामना अभिलाषा मन में नहीं रहना और ऐसे विकारग्रस्त विचारों से मन को विरत रखना अस्तेय है और आध्यात्मिक लक्ष्य की निकटता का माध्यम है। इसके विपरीत लोभ आध्यात्मिक लक्ष्य से दूरी बनाने का माध्यम बन जाता है। स्वयं के अधिकार हक स्वयं के परिश्रम से अर्जित वस्तु सामग्री पदार्थ ग्रहण करने योग्य होते हैं। किसी भी पदार्थ वस्तु सामग्री को बिना कीमत मूल्य चुकाए प्राप्त नहीं करना और इस तरह के विचारों को भी मन में नहीं आने देना। किसी वस्तु सामग्री पदार्थ को बिना मूल्य कीमत चुकाए या बिना परिश्रम किए प्राप्त किया जाता है अथवा उसका उपभोग किया जाता है तो आध्यात्मिक दृष्टि से यह स्तेय की श्रेणी में ही आता है। क्योंकि एक साधु भी यदि भिक्षा ग्रहण करता है तो बदले में ज्ञान का वितरण करना उसका परम कर्तव्य होता है और इस ज्ञान वितरण के पुण्य के कारण स्तेय परिवर्तित होकर अस्तेय हो जाता है। लगातार तो